अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रजीना खान। अवामी वर्कर्स पार्टी जिला गरबी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ गुजर ने अवामी वर्कर्स पार्टी के सलाही कमेटी के चेयरमैन जहां जेब मियां साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दिया और अवामी वर्कर्स पार्टी के कायदीन के इस फैसले को पार्टी के लिए खुश आइन करार दिया। इस मौके पर अवामी वर्कर्स पार्टी के खजानची जनाब अली बहादुर खान साहब, उमर खवास गुजर, बशीर भाई अख्तर जवान, नसीब जर खान और दीगर रहनुमाओं ने दिली मुबारकबाद देते हुए अपने मरहूम कायद फानूस गुजर के मिशन को दुनिया में फैलाने का अज़्म किया और अवामी वर्कर्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इंसानियत की खिदमत करते रहना और तलबा और तालबात के मुस्तकबिल के फलाह व बहबूद और मेयारी तालीम के लिए कोशिश करने की भी ख्वाहिश का इजहार किया। इस मौके पर अवामी वर्कर्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और जिला गरबी के सदर चौधरी मोहम्मद याकूब गुजर ने जहां जेब मियां की इस्लाही कमेटी की सरबराही के लिए पार्टी के इस फैसले को खुश आइन करार देते हुए पार्टी के फैसले को सराहा और इस्लाही कमेटी के तमाम मेंबरान को मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद पेश की। आखिर में जनरल सेक्रेटरी यूसुफ गुजर ने पार्टी के इस फैसले को खुश आइन करार देते हुए कहा कि अवामी वर्कर्स पार्टी 98% गरीबों की पार्टी है। हमारे कायद जनाब फानूस गुजर मरहूम ने अपनी कौम के लिए पूरी जिंदगी जदोजहद करते हुए गुजारी। हमारे कायद का मिशन है और अपने कायद के इस मिशन को आखिर दम तक लेकर जाएंगे। गरीबों के लिए कुर्बानी इबादत समझ कर देते हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा और तलबात हमारे बच्चे हैं, हम उनके साथ हर मुमकिन तआवुन करेंगे।